अब देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखोगे, कहता है एक्सलेशन, इस वाले क्वेश्चन में एक्सलेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द ऑफ ए पार्टिकल गिवेन बाय, यहाँ से एक्सलेशन दिया हुआ है एक्सलेशन 3t² + 2t और यहाँ से +2, दिस इज द एक्सलेशन वेयर टी इज द टाइम इफ द पार्टिकल स्टार्ट आउट विद वेलोसिटी। अगर पार्टिकल जो है जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी यू थी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड थी ये वाली, तो ये कहते हैं वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, जब 2 सेकेंड बीत चुका होगा तो कितनी वेलोसिटी होगी। देखो एक्सलेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सलेशन को मैं dv/dt लिख सकता हूँ और इसको मैं 3t² + 2t + 2 लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ से dv = 3t² + यहाँ से 2t + 2 = dt यहाँ से लिख दूँ तो ये वाला जो है ऐसे, तो जब समय जीरो था तो यहाँ तुम देखोगे समय जीरो था तो स्पीड कितनी थी 2, तो समय टी हुआ velocity = 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी वही तो चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा v-2, इधर आ जाएगा v-2 इधर आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करके लिख, पहले इंटीग्रेट कर लो इसको, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन में कितना बनेगा 3t³/3 2t²/2, पावर वाला रूल लगा रहा हूँ, इधर 2t दैट इज 0 to 2, तो अगर 0 to 2 यहाँ तुम रखोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा v-2 = यहाँ से तो t³ और t²+2t और यहाँ से आ जाएगा 0 से 2, तो अगर 0 से 2 आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2q और +2q²+2×2, तो यहाँ से तुम देखोगे मतलब 8 + यहाँ से 4 और +यहाँ से 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 8 दैट इज 16, ये आ गया, तो जो वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से देखोगे वेलोसिटी तो 16 + 2 दैट इज 18, 18 मीटर पर सेकेंड यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज द वेलोसिटी, तो 18 मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी देखोगे तो बी ऑप्शन अपना सही है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।